दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर फॉस्टस। इस प्ले को लिखा था क्रिस्टोफर मार्लोव ने। बहुत ही फेमस प्ले है ये दोस्तों। इस प्ले का पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर फॉस्टस एक रियल इंसान था। डॉक्टर फॉस्टस नाम का एक बंदा, एक इंसान जर्मनी में रहता था और उस बंदे ने बहुत डीप रिसर्च करी थी काले जादू पर। इसके बाद दोस्तों जर्मनी में एक वर्क पब्लिश हुआ था फॉस्टस नाम से। इस वर्क में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज थी और ये वर्क किसने लिखा था ये बात नहीं पता, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फॉस्टस में डॉक्टर फॉस्टस का जिक्र हुआ है। और दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लोव को भी डॉक्टर फॉस्टस लिखने का आइडिया इसी वर्क से आया था और क्रिस्टोफर मार्लोव ने काफ़ी कुछ फॉस्टस से कॉपी किया है। फॉस्टस एक जर्मन वर्क था। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं और आसान लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों फॉस्टस अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ होता है। फॉस्टस सोचता है कि उसने फिलॉसफी पढ़ ली, लॉ पढ़ लिया, लॉजिक पढ़ा, थियोलॉजी पढ़ी, मेडिसिन में ज्ञान हासिल किया, इन सभी फील्ड्स में मास्टरी करी, लेकिन इतने पढ़ने के बावजूद भी वो एक आम इंसान ही है। इतना ज्ञानी होने के बाद भी उसे सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। उसे इतनी ज़्यादा शोहरत और पैसा नहीं मिला। फॉस्टस बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फॉस्टस कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा शोहरत मिले, पैसा मिले, वो बहुत ताकतवर हो जाए और उसके चर्चे सब जगह हों। फॉस्टस को ख्याल आता है कि क्यों ना मैं काला जादू सीखूँ, क्यों ना काला जादू सीखा जाए। काला जादू सीखकर वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। दुनिया का ज्ञान सीखकर तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं फॉस्टस को, तो क्यों ना अब दुनिया के ज्ञान से हटकर काले जादू में मास्टरी हासिल करी जाए। अब दोस्तों इसी बीच फॉस्टस के सामने दो एंजल्स आते हैं, गुड एंजल और ईविल एंजल। ये दोनों एंजल्स पूरे प्ले में बीच बीच में आते रहेंगे। गुड एंजल और ईविल एंजल, ये दोनों एंजल डॉक्टर फॉस्टस का ही इल्यूजन है। गुड एंजल फॉस्टस से कहता है कि ब्लैक मैजिक की किताब को साइड में रख दो और बाइबल को पढ़ो, क्योंकि ब्लैक मैजिक से खुदा नाराज़ होता है। अगर तुम ब्लैक मैजिक सीखोगे तो फिर खुदा का कहर तुम पर बरसेगा। लेकिन तभी ईविल एंजल फॉस्टस से कहता है कि तुम ब्लैक मैजिक को पढ़ो ताकि तुम भी खुदा जितने पावरफुल हो जाओ। इसके बाद दोनों एंजल्स चले जाते हैं। फॉस्टस उस टाइम ताकत और शोहरत के नशे में अंधा हो चुका था। उसे और कुछ नहीं दिख रहा था। फॉस्टस को बहुत पावरफुल बनना था। इस वजह से फॉस्टस डिसाइड करता है कि वो ब्लैक मैजिक को सीखेगा। अब दोस्तों फॉस्टस ने अपने दो दोस्तों को बुलाया था। एक दोस्त का नाम था वॉल्डिस और दूसरे का था कॉर्नेलियस। फॉस्टस के इन दोनों दोस्तों को ब्लैक मैजिक आता था। इस वजह से फॉस्टस ने इन दोनों को बुलाया था ताकि फॉस्टस के ये दोनों दोस्त फॉस्टस को ब्लैक मैजिक सिखा सकें। ये दोनों दोस्त फॉस्टस को बताते हैं कि तुम्हें एक वीरान कब्र पर जाना पड़ेगा ब्लैक मैजिक की किताब के साथ। ऐसी जगह जाओ जहां पर कोई आता जाता ना हो। अब दोस्तों फॉस्टस देर रात को अपने ब्लैक मैजिक के फॉर्मूले को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कब्रिस्तान में जाता है। फॉस्टस कुछ लाइन्स और सर्कल बनाता है आत्मा को बुलाने के लिए। और फिर प्ले का सेकेंड इम्पॉर्टेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मेफिस्टोफेलिस। दोस्तों थोड़ा सा आपको मेफिस्टोफेलिस के बारे में बताता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। मेफिस्टोफेलिस लूसीफर का सर्वेंट है। दोस्तों लूसीफर शैतान का नाम है, लेकिन शैतान बनने से पहले लूसीफर फरिश्तों का राजा हुआ करता था। जी हाँ, लूसीफर फरिश्तों का सरदार था, लेकिन फिर लूसीफर को अपनी ताकतों पर घमंड हो गया और लूसीफर ने खुदा से बगावत कर दी। इस वजह से खुदा ने लूसीफर को जन्नत से निकाल कर जहन्नुम में डाल दिया और लूसीफर फरिश्ते से शैतान बन गया। लूसीफर ने अपने साथ कुछ और फरिश्तों को भी भटका दिया और अपने साथ जहन्नुम में ले गया। कुछ और फरिश्ते थे जिन्होंने लूसीफर का साथ दिया। मेफिस्टोफेलिस भी उन्हीं फरिश्तों में से एक फरिश्ता था जिसने खुदा से बगावत करी थी और लूसीफर का साथ दिया था। अब मेफिस्टोफेलिस लूसीफर को सर्व करता है, उसका सर्वेंट है। लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस दोनों को जहन्नुम में डाल दिया गया था और अब ये दोनों जहन्नुम में ही रहते हैं।
हालांकि मेफिस्टोफिलिस के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन फिर भी मेफिस्टोफिलिस हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि मेफिस्टोफिलिस को पता है कि उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में ही रहना है। मेफिस्टोफिलिस क्रिश्चियन वैल्यूज से नफरत करता है, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता है कि खुदा सच में है और जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेगा वही जन्नत में जाएगा। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। डॉक्टर फॉस्टरस मेफिस्टोफिलिस को देखकर डर जाता है। डॉक्टर फॉस्टरस मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि तुम वापस जाओ और एक मॉन्क बनकर आओ, साधु बनकर आओ। मेफिस्टोफिलिस वापस चला जाता है और साधु बनकर वापस आता है। फॉस्टरस जब यह देखता है कि आत्मा उसका कहना मान रही है, जैसा उसने कहा मेफिस्टोफिलिस ने वैसा ही किया, तो ये देखकर फॉस्टरस बहुत खुश हो जाता है। फॉस्टरस को यकीन हो जाता है कि एक दिन वो बहुत ताकतवर बन जाएगा। मेफिस्टोफिलिस फॉस्टरस से कहता है कि मैं लूसीफर का सर्वेंट हूँ, जो लूसीफर मुझसे कहता है मैं वैसा ही करता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कहना सुनूं, तो फिर तुम्हें खुदा की राह को छोड़ना होगा और लूसीफर की राह पर चलना होगा। अगर तुम लूसीफर को अपना खुदा बनाओगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें सर्व करूँगा। अब दोस्तों, फॉस्टरस मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि तुम मुझे लूसीफर के बारे में बताओ, लूसीफर कौन है। मेफिस्टोफिलिस बताता है कि लूसीफर एक ज़माने में फरिश्ता हुआ करता था, लेकिन उसने खुदा से बगावत कर दी, इस वजह से लूसीफर को जहन्नुम में फेंक दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर मेफिस्टोफिलिस फॉस्टरस को वार्निंग देता है। मेफिस्टोफिलिस ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट फॉस्टरस को वार्निंग देता है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, मेफिस्टोफिलिस जो खुद एक शैतान है, वो डॉक्टर फॉस्टरस को पहली और आखिरी बार वार्निंग देता है अगेंस्ट ब्लैक मैजिक। दोस्तों, डॉक्टर फॉस्टरस को ताकत के आगे कुछ नहीं दिख रहा। फॉस्टरस राजी हो जाता है खुदा की राह को छोड़ने के लिए और शैतान की राह पर चलने के लिए। अब दोस्तों, फॉस्टरस ने मेफिस्टोफिलिस से कह तो दिया कि वो लूसीफर को फॉलो करेगा और खुदा की राह को छोड़ देगा, लेकिन फिर भी फॉस्टरस को अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि जो कुछ भी वो करने जा रहा है वो ठीक नहीं है। फॉस्टरस सोच में पड़ जाता है कि वो खुदा की राह पर वापस जाए या फिर लूसीफर की और ज़्यादा करीब हो जाए। उसके समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लूसीफर के पास जाए या खुदा के पास जाए। लेकिन फिर फॉस्टरस सोचता है कि अब तो मैंने खुदा की राह छोड़ दी, अब तो मैंने ब्लैक मैजिक सीख लिया, ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस कर लिया, इस वजह से अब खुदा के बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि खुदा अब मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझे तो जहन्नुम में ही जाना है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसी दौरान गुड एंजल और इविल एंजल दोबारा से आते हैं। गुड एंजल दोबारा से फॉस्टरस को समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी वक्त है, खुदा के पास वापस आ जाओ, लेकिन इविल एंजल फॉस्टरस को ताकत, शोहरत और पैसे का लालच दे देता है। फॉस्टरस ताकत, शोहरत और पैसा सुनकर बेचैन हो जाता है, उसमें एक आग लग जाती है और वो पक्का इरादा कर लेता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लूसीफर को ही फॉलो करूँगा। फॉस्टरस को अंजाम की परवाह नहीं है, उसे बस शोहरत, ताकत और पैसा चाहिए। इसके बाद गुड एंजल और इविल एंजल चले जाते हैं। दोनों एंजल्स के जाने के बाद मेफिस्टोफिलिस दोबारा से आता है। मेफिस्टोफिलिस फॉस्टरस से कहता है कि मेरे मालिक लूसीफर ने कहा है कि तुम्हें दुनिया में आराम, सुकून, शोहरत, अय्याशियाँ, सब कुछ मिलेगा, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी रूह, अपना सोल देना पड़ेगा 24 साल के बाद। 24 साल तक तुम्हें दुनिया में जितना मौज करना है करो, खूब मौज उड़ाओ, लेकिन 24 साल के बाद तुम्हें लूसीफर को अपना सोल, अपनी रूह देनी पड़ेगी, और दुनिया में 24 साल तक मैं मेफिस्टोफिलिस तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट बनकर रहूँगा, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। फॉस्टरस झट से राज़ी हो जाता है। मेफिस्टोफिलिस कहता है कि तुम्हें अपने खून से एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। फॉस्टरस अपने खून से साइन कर देता है और इस तरह फॉस्टरस और लूसीफर के बीच में डील हो जाती है। इसके बाद मेफिस्टोफिलिस कुछ स्पिरिट्स को बुलाता है डॉक्टर फॉस्टरस को एंटरटेन करने के लिए। अब दोस्तों, डॉक्टर फॉस्टरस मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि मुझे ये बताओ कि जहन्नुम कहाँ पर है। मेफिस्टोफिलिस कहता है कि जहन्नुम लिमिटेड नहीं है सिर्फ एक जगह पर। जहन्नुम हर उस जगह पर है जहाँ पर गुनाहगार हैं, और हर वो जगह जहाँ पर जन्नत नहीं है वो जहन्नुम है।
इसके बाद डॉक्टर फॉस्टस एक खूबसूरत औरत की डिमांड करता है शादी करने के लिए, लेकिन मेफिस्टोफेलिस को फॉस्टस की ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दोस्तों फॉस्टस शादी करना चाहता है और शादी एक रिलीजियस रिचुअल है, उसमें रिलीजन इन्वॉल्व होता है, इसलिए मेफिस्टोफेलिस को शादी वाला आइडिया पसंद नहीं आता। मेफिस्टोफेलिस एक शैतान को लड़की बनाकर ले आता है, लेकिन डॉक्टर फॉस्टस को वो लड़की पसंद नहीं आती। अब दोस्तों मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को कुछ किताबें देता है। इन किताबों से डॉक्टर फॉस्टस सोना बना सकता है, बारिश करवा सकता है, तूफान करवा सकता है, इसके अलावा साइंस में भी मास्टरी हासिल कर सकता है। एक दिन क्या होता है, डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस पर चिल्लाता है और गुस्से से कहता है कि तुमने मुझे जन्नत से दूर कर दिया, तुम्हारी वजह से मैं अब जन्नत में नहीं जा सकता। फॉस्टस को अपने गुनाहों पर पछतावा होने लगता है। इसी दौरान गुड एंजल और ईविल एंजल दोबारा से अपेयर होते हैं। गुड एंजल बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम माफ़ी मांग लो, खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन ईविल एंजल बोलता है कि खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, अब तुम खुदा के पास वापस मत जाना, खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा क्योंकि तुम अब एक ब्लैक मैजिशियन बन चुके हो। फॉस्टस को और भी ज़्यादा पछतावा होने लगता है। फॉस्टस सोचता है कि वो सुसाइड कर ले, मर जाए, लेकिन फॉस्टस बहुत ही बेबस हो चुका है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब फॉस्टस का उसकी खुद की रूह पर अधिकार नहीं है, अब उसकी रूह का मालिक लूसीफर है। दोस्तों डॉक्टर फॉस्टस को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। मेफिस्टोफेलिस से कई बार डॉक्टर फॉस्टस ने ऐसी बातें जानने की कोशिश करी जिसका जवाब उसके पास नहीं था। डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से प्लैनेट्स के बारे में पूछता है, प्लैनेट्स के मूवमेंट के बारे में पूछता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पूछता है और पूछता है कि इस संसार को किसने बनाया है। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। दरअसल दोस्तों डॉक्टर फॉस्टस का जो सवाल है कि संसार किसने बनाया है, तो इसका ये जवाब है खुदा ने बनाया है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस क्योंकि एक शैतान है, इस वजह से वो खुदा का नाम नहीं ले सकता, खुदा को याद नहीं कर सकता, ये उसके असूलों के खिलाफ है। इसी वजह से मेफिस्टोफेलिस बोलता है कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। दोस्तों नेक्स्ट सीन में मेफिस्टोफेलिस, लूसीफर और बीलज़बब, ये तीनों शैतान डॉक्टर फॉस्टस के पास में आते हैं। लूसीफर डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि तुम्हें जीसस क्राइस्ट के बारे में ज़रा भी नहीं सोचना और जीसस क्राइस्ट तुम्हें अब नहीं बचा सकते। डॉक्टर फॉस्टस बहुत डर जाता है और वादा करता है कि वो अब खुदा के बारे में कभी नहीं सोचेगा, खुदा का नाम कभी नहीं लेगा। ये देख कर लूसीफर बहुत खुश हो जाता है और लूसीफर डॉक्टर फॉस्टस को एंटरटेन करता है शो ऑफ सेवन डेडली सिंस से। दोस्तों क्रिश्चियनिटी में सेवन डेडली सिंस होते हैं, 7 बुरी आदतें, 7 गुनाह, और ये 7 के 7 डेडली सिंस आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों अब डॉक्टर फॉस्टस पूरी दुनिया भर में घूम रहा है मेफिस्टोफेलिस के साथ। डॉक्टर फॉस्टस के चर्चे सभी की ज़ुबान पर हैं, यहाँ तक कि चार्ल्स फिफ्थ ने भी डॉक्टर फॉस्टस को इनवाइट किया था अपने कोर्ट में। दोस्तों फॉस्टस डिसाइड करता है कि वो रोम में जाएगा, रोम में फॉस्टस पोप के पास जाएगा। दोस्तों इस सीन में थोड़ा हंसी मजाक का माहौल बनाने की कोशिश करी गई है ताकि जो ऑडियंस प्ले को देख रही है वो बोर ना हो और प्ले के साथ जुड़ी रहे, प्ले को देखती रहे। फॉस्टस अपनी शक्तियों से गायब हो जाता है, इनविजिबल होकर फॉस्टस पोप को बड़ा परेशान करता है, पोप के कोर्ट में बहुत शरारतें करता है। इसके बाद डॉक्टर फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस रोम से चले जाते हैं। दोस्तों रॉबिन नाम का एक इंसान होता है, ये बेवकूफ़ घोड़ों की रखवाली करता है। रॉबिन डॉक्टर फॉस्टस की काली जादू की किताब को चुरा लेता है। रॉबिन का एक असिस्टेंट है राल्फ, ये दोनों मंदबुद्धि हैं, बेवकूफ़ हैं। ये दोनों एक वाइन सेलर का सिल्वर गॉबलेट चुरा लेते हैं। जब वाइन सेलर इन दोनों की तलाशी लेने लगता है, इन दोनों को चेक करने लगता है, तो फिर रॉबिन कहता है कि अभी इसको सबक सिखाता हूँ, वाइन सेलर को कहता है कि अभी इसे सबक सिखाता हूँ, और रॉबिन मेफिस्टोफेलिस को बुला लेता है। मेफिस्टोफेलिस बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि मेफिस्टोफेलिस बहुत दूर से ट्रैवल करके वहाँ पर आता है। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया ना, तो फिर मैं तुम्हें बंदर और कुत्ता बना दूंगा।
दोस्तों, अब डॉक्टर फॉस्ट्रस चार्ल्स फिफ्थ के बुलाने पर चार्ल्स फिफ्थ के कोर्ट में जाता है कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाने के लिए। चार्ल्स फिफ्थ डॉक्टर फॉस्ट्रस से कहता है कि क्या तुम मेरे पूर्वजों को मेरे सामने ला सकते हो, मेरे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया को बहुत पहले छोड़कर चले गए, क्या तुम उन्हें वापस ला सकते हो। चार्ल्स फिफ्थ अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनकी क्वीन को अपीयर करने की बात करता है। दोस्तों, डॉक्टर फॉस्ट्रस अपनी मैजिकल ट्रिक से अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनकी क्वीन को स्टेज पर अपीयर कर देता है। चार्ल्स फिफ्थ डॉक्टर फॉस्ट्रस से बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे रिवॉर्ड देने का वादा करता है। चार्ल्स फिफ्थ से मिलने के बाद डॉक्टर फॉस्ट्रस अब जाता है ड्यूक ऑफ वैनहॉल्ड के पास। ड्यूक ऑफ वैनहॉल्ड के कोर्ट में फॉस्ट्रस डचिस से पूछता है कि आपकी मनपसंद डिश कौन सी है, आपको खाने में क्या पसंद है। डचिस कहती है कि मुझे ग्रेप्स बहुत पसंद है, अंगूर पसंद है। डॉक्टर फॉस्ट्रस मेफिस्टोफिलिस की मदद से इंस्टेंटली ग्रेप्स से बनी हुई एक डिश को स्टेज पर अपीयर कर देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो सीज़न ग्रेप्स का नहीं था, उस सीज़न में ग्रेप्स नहीं आते। डॉक्टर फॉस्ट्रस सभी लोगों को बताता है कि दुनिया में दो एटमॉस्फेयर होते हैं, अगर एक जगह पर गर्मी है तो दूसरी जगह पर ठंड है। इसके बाद डचिस भी फॉस्ट्रस को रिवॉर्ड देती है। डॉक्टर फॉस्ट्रस मेफिस्टोफिलिस की कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत शरारतें कर रहा था, उसकी ज़िंदगी में मौज ही मौज है। डॉक्टर फॉस्ट्रस और मेफिस्टोफिलिस डिस्कशन कर रहे होते हैं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत कौन है। बातचीत करके पता लगता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत हेलेन है। इसके बाद हेलेन की स्प्रिट को बुलाया जाता है और हेलेन की खूबसूरती को फॉस्ट्रस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, अब प्ले का लास्ट सीन शुरू होता है। फॉस्ट्रस के 24 अय्याशियों से भरे हुए साल अब ख़त्म होने को हैं। फॉस्ट्रस का दुनिया में आखिरी दिन है। घड़ी में 11 बज गए हैं और 12 बजने में सिर्फ एक घंटा बाकी है। डॉक्टर फॉस्ट्रस चाहता है कि ये एक घंटा जो बचा हुआ है, ये एक घंटा साल, महीने, हफ्ते या फिर सिर्फ एक दिन में बदल जाए, ताकि उसे थोड़ा वक्त मिले। ये वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। फॉस्ट्रस चाहता है कि ये वक्त थम जाए, उसे थोड़ा वक्त मिले ताकि वो खुदा से माफ़ी मांग सके। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। फॉस्ट्रस बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं है और आखिरकार 12 बज जाते हैं। लूसीफर आता है, डॉक्टर फॉस्ट्रस का गला घोटता है, उसे जान से मारता है। इसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े करता है और फिर फॉस्ट्रस का सोल ले जाता है इटर्नल डैमनेशन के लिए, जहन्नुम में उसकी रूह को ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। कोशिश करिए आसान लैंग्वेज में समझाने की। दोस्तों, हमने इंस्टाग्राम पर भी इंग्लिश फॉर ऑल का पेज बनाया है, अगर आपने फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।